हैप्पी दिवाली गाइस। और अभी सुबह अभी दोपहर को 2 बज रहे हैं और हम लोग खाना पीना खा के हम लोग तैयारी में लग गए दिवाली के। तो अभी मैं सारे दिए धुल रही हूँ, दिए धुलने के बाद मैं रंगोली बनाऊँगी। तो अभी अम्मा भी भगवान का जो भी कपड़ा वपड़ा चेंज करना है तो भी वो कर रही हैं और इधर मैं दिए धुल रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी दोनों काम हो जाए। और मुझे खास रंगोली बनाने तो नहीं आता लेकिन मैं ट्राई की हूँ खुद से जैसे तैसे, तो ठीक ठाक बन ही गया है देखने लायक। वहाँ पे दिए भी धूल के सारे रख दिए गए हैं ताकि शाम को जलाना इजी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं रंगोली बनाने के बाद किचन में लग गई क्योंकि मैं सोच रही थी कि खाना भी अभी बना के रख दूँ ताकि रात को मुझे खाना ना बनाना पड़े। क्योंकि मैं ऐसे होता है ना कि नए कपड़े वगैरह पहन लो तैयार हो जाओ तो किचन में आने का मन नहीं करता, ऐसा मेरे साथ होता है। तो मैं तैयार होने से पहले ही खाना वाना बना के रख देती हूँ। तो फाइनली शाम हो गया और काम करते करते ही शाम हो गया तो हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो पहले सोचे फोटो शूट करवा ले, उसके बाद कुछ और होगा। पूजा का वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि पूजा नीचे लॉन में हुआ था, पंडित जी आए हुए थे और मैं नीचे नहीं गई थी, मैं ऊपर ही थी तो मैं पूजा का वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि सास बहू मैचिंग मैचिंग पहन के कैसे लग रहे हैं। बोले थे ना जो दशहरा में नया खरीदा था वो पहन लेना। लेकिन यहाँ पे सतीश और सतीश की क्या है दादी मम्मी, सतीश की मम्मी है। अच्छा कि मेरी मम्मी है, सबका सब मम्मी। चलो तो सतीश दिया रखो, हाँ सतीश दिया रखो वहाँ पे। तो अभी दिवाली की सारी पूजा खत्म हो गई है, बच्चे ने दीप जला लिए हमने और पटाखे वगैरह फोड़ लिए हैं और अभी बस खाना खाना बाकी है। कभी खाना खाएंगे हम लोग और खाना खाना। इस बार का दिवाली कैसे था आप लोग भी बताइएगा। मेरा दिवाली का मस्त था। ये मेरे ससुराल तो सेकेंड दिवाली है, मैंने ब्लू लाइन पर पिंक पट्टा इसलिए लिया था क्योंकि अम्मा को मैंने अम्मा और अपनी पट्टे मैचिंग लगा था। अम्मा के ब्लू में पिंक था इसलिए मैंने हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट।